चौहान, टेक टीवी, पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं वापस करेंगे। अहमद मंजूर, टेक टीवी, पाकिस्तान। अपने हाथ में राय में आपको सस्पेंड कर दो। फर्रुख सिद्दीकी, टेक टीवी, पाकिस्तान। एहतशाम राणा, टेक टीवी, पाकिस्तान। वजीर आजम मुतल्लिक किया गया। लेके आएंगे तहरीके अदम एतमाद। मरियम साहिबा कहती है मेरे पास टेपे हैं। मुझे लगता है आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। बेरोजगारी में इजाफा होगा। अमजद बलोच, टेक टीवी, पाकिस्तान। कौकब फारूकी, टेक टीवी, पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार की जामा मस्जिद में धमाका, 30 अफराद शहीद, 50 से ज़ायद जख्मी। वज़ीर आज़म इमरान खान की पेशावर में मस्जिद में धमाके की मजम्मत। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा धमाके का कोई थ्रेड अलर्ट जारी नहीं हुआ था। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अफगानिस्तान के मुंजमद असासों की बहाली और अफगानिस्तान इंतजामिया को तस्लीम कराने के लिए उज़्बेकिस्तान के साथ मिलकर मुहिम चलाएंगे। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के ताल्लुकात से सियाहत और तिजारत बढ़ेगी। पार्लियामेंट हमला केस सदर मुमलिकत ATC में पेश, इस्तिस्ना लेने से इनकार। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा आईने पाकिस्तान का पाबंद हूँ, कुरान पाक इससे बड़ा आईन है, मुझे आईने पाकिस्तान इस्तिस्ना देता है। सिंध का पढ़ा लिखा तबका पीपल्स पार्टी से बददिल और जरदारी लीग से मायूस हो चुका है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा सिंध के लोग किसी मसीहा की तलाश में हैं, इमरान खान का अकेला तमाम माफिया से मुकाबला है, इमरान खान को कराची की फिक्र है। अवामी मार्च पीपल्स पार्टी का फैज़ाबाद की बजाय डी चौक पर पड़ाव डालने का फैसला। पीपल्स पार्टी ने इंतजामिया से डी चौक पर जलसे की इजाज़त मांग ली। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. पेशावर के मशहूर मारूफ किस्सा ख्वानी बाजार की जामा मस्जिद में धमाका। मुल्क दुश्मन अनासिर ने मजमूम कार्रवाई करते हुए पेशावर के मारूफ किस्सा ख्वानी बाजार को खून में नहला दिया। धमाके में बच्चों समेत 30 अफराद शहीद हो गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पेशावर के मशहूर व मारूफ किस्सा ख्वानी बाजार की जामा मस्जिद में धमाका हुआ है। धमाके में बच्चों समेत 30 अफराद शहीद हो गए हैं। दो नामालूम हमला आवरों ने जामा मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश की। SP सिटी ने अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक बताया कि धमाका जामा मस्जिद कोचा रिसालदार में उस वक्त हुआ जब नमाजी जुमे की नमाज की अदायगी में मसरूफ थे। धमाके के बाद मस्जिद में अफरा तफरी फैल गई और हर कोई अपने प्यारों की तलाश में मारा मार फिरता रहा। वजीर आजम इमरान खान ने पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार में जामा मस्जिद में धमाके की शदीद मुज़म्मत करते हुए जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत कर दी और वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने पेशावर धमाके के बाद मीडिया से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश है, कोई थ्रेट अलर्ट भी जारी नहीं हुआ था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उज़्बेक सदर के हमराह मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ट्रांज़िट ट्रेड में पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान को फ़ायदा होगा, ट्रांज़िट ट्रेड में अफगानिस्तान के लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उज़्बेक सदर के हमराह मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ट्रांज़िट ट्रेड से पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान को फ़ायदा होगा, ट्रांज़िट ट्रेड से अफगानिस्तान के लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इमरान खान ने कहा कि इस्लामोफोबिया के मामले पर रूसी सदर और कैनेडा के वज़ीर आज़म ने भी जज्बात का इजहार किया,
जिस पर उनके शुक्रगुजार हैं। वजीर आजम ने बताया कि मकबूजा कश्मीर में मजालिम हो रहे हैं, जिससे उज़्बेक सदर को आगाह किया। चाहते हैं अक़वामे मुत्तहिदा भारत से मुतालिक करारदादों पर अमल कराए। दूसरी जानिब उज़्बेक सदर ने कहा कि गर्म जोशी से इस्तकबाल पर वजीर आजम इमरान खान और पाकिस्तान के मशकूर हैं। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान सकाफती शोबों की बहाली के लिए मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक तआवुन के फरोग के लिए काम कर रहे हैं। उज़्बेक सदर ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान के साथ मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू तामीरी रही। पाकिस्तान के साथ इक्तिसादी और तजारती सतह पर ताल्लुकात के लिए इकदाम करेंगे। हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की साहबजादी आसिफा भुट्टो से ड्रोन कैमरा जा टकराया, जिससे वो जख्मी हो गई। आसिफा भुट्टो हुकूमत के खिलाफ मार्च में कंटेनर पर सवार थी कि इस दौरान ड्रोन कैमरा उनके माथे से टकरा गया, जिससे वो नीचे गिर गईं। आसिफा भुट्टो को कंटेनर में फौरी तिबी इमदाद फराहम की गई। ड्रोन कैमरा लगने के फौरन बाद बिलावल भुट्टो आसिफा को लेकर कंटेनर के अंदर चले गए, जहां उन्हें तिबी इमदाद दी गई। बाद अजा आसिफा भुट्टो को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां मौके पर मौजूद MSTHQ खानेवाल डॉक्टर नबील सलीम की सरबराही में टीम ने उनका मुआयना किया। सर्जन डॉक्टर बाबर ने आसिफा की ड्रेसिंग की। डॉक्टर ने एक टांका लगाने का भी कहा, तहम बिलावल भुट्टो से मशावरत तक टांका लगाने से रोक दिया। डॉक्टर नबील सलीम का कहना है कि आसिफा भुट्टो के माथे पर जख्म हुआ, जिसकी फिलहाल ड्रेसिंग की गई है। पार्लियामेंट हमला केस में सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में अपने वकील बाबर ऐवान के हमरा पेश हुए। डॉक्टर आरिफ अलवी ने सदारती इस्तिस्ना ना लेने की दरख्वास्त अदालत में जमा करा दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी पार्लियामेंट हमला केस में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हो गए। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने पार्लियामेंट हमला केस की समाअत की, जिस सिलसिले में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी अपने वकील बाबर ऐवान के हमरा अदालत पहुंचे। सदर आरिफ अलवी ने अदालत में पेशी के मौके पर सदारती इस्तिस्ना न लेने की दरख्वास्त जमा करा दी। सदर मुमलिकत का कहना था कि मैंने इस्लामी तारीख का मुताला करने की कोशिश की, इस्तिस्ना की गुंजाइश नहीं। जितने खुलफा आए वो अदालतों में बड़े बावक़ार अंदाज से पेश हुए। बाद अजा मीडिया से बातचीत में सदर मुमलिकत ने कहा कि मुझे पता चला कि इस केस का फैसला लिखा जा चुका है। मुझ पर इल्ज़ाम था कि मैंने हथियार सप्लाई किए हैं। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तानी कानून का पाबंद हूँ, मगर इस मुकदमे में इस्तिस्ना नहीं लेना चाहता। मैं सदर पाकिस्तान नहीं बल्कि आम शहरी की हैसियत से पेश हुआ था। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सिंध के लोग किसी मसीहा की तलाश में हैं। बदीन में मंशियात के जराइम में इजाफा हो रहा है और बदीन के लोगों ने सिंध की हवा की सिमत का तायुन कर दिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बदीन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मुसलसल 15 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। किसी जमात को किसी इलाके में इस तरह तसलसल से हुकूमत नहीं मिली है। सिंध पीपल्स पार्टी के हाथों में गिरवी है। पीपल्स पार्टी के अराकीन और बुजरा की हालत यह है कि ये लोग किसी से हाथ तक नहीं मिलाते। 3 साल तक अपने घर से बाहर नहीं निकले और ना अपने हलकों में गए। इनकी लूट मार को देखें। इस तर्ज सियासत से बाशऊर सिंधी मायूस हो चुका और पीपल्स पार्टी से इनखिलाफ कर रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, सूबे में अमन अमान की सूरत हाल सबके सामने है। इंसाफ और तालीम यहाँ मुहैया नहीं। बाशऊर सिंधी तीर को अब तोड़ देगा। वफाकी वजीर का कहना था कि इमरान खान का अकेला तमाम माफिया से मुकाबला है। इमरान खान को कराची की फिक्र है। हम इसको मायूस नहीं करेंगे। इस शहर का हम पर हक है और हम इसकी मोहब्बतों के मकरूज हैं। वफाक ने कराची को बड़ा पैकेज दिया है और भी इसके लिए करने जा रहे हैं। कराची के हवाले से जो चीजें रह गई हैं वो भी पूरी करेंगे। पीपल्स पार्टी ने खत लिखकर इंतजामिया से डी चौक पर जलसे की इजाज़त मांग ली। इस हवाले से चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भी खत लिख दिया गया। पीपल्स पार्टी ने खत में कहा कि पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च 8 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेगा। 8 मार्च को डी चौक पर जलसा करने की इजाज़त दी जाए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने अवामी मार्च का रुख डी चौक की तरफ मोड़ने का फैसला कर लिया। जराए का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने फैजाबाद के बजाय डी चौक पर पड़ाव डालने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने खत में कहा है कि पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च 8 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेगा। 8 मार्च को डी चौक पर जलसा करने की इजाज़त दी जाए। इससे कबल पीपल्स पार्टी ने फैजाबाद पर जलसे के लिए 3 दिन की इजाज़त मांगी थी, जिस पर इंतजामिया ने 3 दिन के बजाय 1 दिन जलसा करने की इजाज़त दी थी। पीपी चेयरमैन ने कहा कि 5
दिन में इस्तीफा ना दिया तो इस्लामाबाद पहुंचकर अदम एतमाद से घर भेजेंगे। अवाम हुकूमत के साथ नहीं, वक्त आ गया कि पार्लियामेंट का भी एतमाद उठ जाए। उनका कहना था कि अदम एतमाद हमारा जमहूरी हथियार है, यह हमारी कामयाबी है कि सारी ओपोजिशन एक पेज पर आ चुकी है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। शाहान टेक टीवी पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं वापस करेंगे। अहमद मंजूर टेक टीवी पाकिस्तान। अपने हाथ में राय में आपको सस्पेंड कर दो। फर्रुख सिद्दीकी टेक टीवी पाकिस्तान। एहतशाम राणा टेक टीवी पाकिस्तान। वजीर आजम मुतल्लिक किया गया, लेके आएंगे तरीके अदम एतमाद। मरियम साहिबा कहती है मेरे पास टेपे हैं। मुझे लगता है आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। बेरोजगारी में इजाफा होगा। अमजद बलोच टेक टीवी पाकिस्तान। कौकब फारूकी टेक टीवी पाकिस्तान।